नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। उस टॉपिक का आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि हम चर्चा करने वाले हैं सब सिलेबस के बारे में। किसके सिलेबस के बारे में? तो CET 10+2 यानी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है उसके सिलेबस के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप सभी को पता ही है कि सीईटी जो है वो दो स्तर पर होती है, एक तो स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल और दूसरी होगी 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल, आपके 12th लेवल का एग्जाम। आज के सेशन में 12th लेवल का जो सीईटी का एग्जाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर सिलेबस पे चर्चा करने से पहले आपको यहाँ पर परीक्षा की स्कीम के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि परीक्षा की स्कीम जो है वो क्या रहती है। तो देखो भाई, अगर हम एग्जाम पैटर्न या परीक्षा की स्कीम के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 150 आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं और कुल अंक की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 300 नंबरों का पूरा खेल होता है, यानी 150 क्वेश्चन और कुल अंक हो जाएंगे 300, यानी हर एक क्वेश्चन जो है वो आपके 2 नंबर का देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि साहब इस पूरे की पूरे एग्जाम को देने में आपको टाइम कितना लगेगा, तो साहब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय जो है वो मिलेगा। 3 घंटे का टाइम अपने आप में बड़ा सफिशियंट था, इतना ज्यादा टफ पेपर अपने आप में नहीं आता है। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखनी। पहली बात तो ये कि साहब MCQ बेस्ड पेपर आएगा, तो आप बोलोगे साहब ये तो पता ही है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगा सीटी का उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ होता है कि साहब MCQ बेस्ड पेपर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात ध्यान रखनी है कि इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब यार ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि साहब नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। अब इससे क्या हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग अगर आपको नहीं दिखती तो आप खुश हो जाते हो कि साहब बढ़िया आराम से मैं खूब तुक्के लगाऊंगा, लेकिन देखो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हमें देखने को मिलता है कि कट ऑफ अपने आप में बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग ना होने से कोई ज्यादा अपने खुश नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि प्रश्न जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो पूरा का पूरा पेपर है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी क्वेश्चन इतने डीप नहीं आएंगे, सीनियर सेकेंडरी स्तर के आएंगे। अब सीनियर सेकेंडरी का मतलब हो गया जो RBC बोर्ड की किताबें होती है उसको अपने को बेस बनाकर यहाँ पर पूर्णतः चलना है। अब देखो भैया, इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर है क्या, पाठ्यक्रम का विवरण जो है उसके बारे में अपन बढ़िया चर्चा करेंगे, किन किन बिंदुओं के ऊपर अपन को यहाँ पर चर्चा करनी। सबसे पहले पार्ट हमें देखने को मिलेगा साहब राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति वाला पार्ट, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। खूब सारे क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ साहब राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। इसके अंदर जो पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो है प्राचीन सभ्यताएं, जिसके अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, ये सारी की सारी सभ्यताएं आएंगी। दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा साहब राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। अब ये जो टॉपिक है वो आपको एक लाइन का लग रहा है, लेकिन ये अपने आप में राजस्थान का पूरा इतिहास है। मध्यकालीन समय का यहाँ पर पूर्णतः इतिहास देखने को मिल रहा है। सारे के सारे जो प्रमुख राजवंश हैं, कछवाहा राजवंश, राठौड़ राजवंश, सिसोदिया राजवंश, वो पूरे के पूरे इस टॉपिक के अंदर जो है वो पूर्णतः आ जाएंगे। तीसरा हमें देखने को मिलता है सब स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, जिसके अंदर किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकला और हस्तशिल्प देखने को मिलता है। अब ये जो टॉपिक है वो अपने आप में कला संस्कृति को दर्शा रहा है, और आप ये बात बिल्कुल अपने ध्यान में रखो कि इतिहास से क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेंगे, ज्यादा क्वेश्चन आपको कला संस्कृति के देखने को मिलेंगे, इसलिए कला संस्कृति को अपने को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। फिर साहब राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, प्रजामंडल आंदोलन, ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया साहब कि अब मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो राजस्थान के अंदर आ गई। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रजामंडल से आते हैं, पूरे के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है, कौन कौन से प्रमुख नेता थे उनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साहब राजस्थान का एकीकरण, कि भैया जो 7 चरणों के अंदर एकीकरण हुआ था उस 7 चरणों से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान चैनल से भी पढ़ा है, तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, चरण जो है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद लोक भाषाएं और उनका साहित्य, लोक संगीत, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि भैया लोक संगीत, साथ साथ में लोक नृत्य, साथ साथ में संत कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, इसके अलावा मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, ये पूरे के पूरे टॉपिक आपको कला संस्कृति के देखने को मिलेंगे। अब राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति देख लिया, नेक्स्ट हमें क्या देखते हैं, तो साहब हमें देखने को मिलता है कि भारत और राजस्थान का भूगोल। अब इंडिया वाला पार्ट और राजस्थान वाला पार्ट, ज्योग्राफी के संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है, भूगोल के संदर्भ में बात की जा रही है। इसमें भारत के भौतिक स्वरूप, जिसके अंदर पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, इसके अलावा प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्यजीव एवं अभयारण्य, और फिर राजस्थान की प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु, दशाएं, वनस्पति, मृदाएं, संसाधन, खनिज, वन संपदा, जल संसाधन, सारे के सारे जो राजस्थान ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन आता है। अब आप इस चीज से बिल्कुल मत घबराना कि इतने सारे टॉपिक है, क्या करना है, हर टॉपिक में से अगर आपको 10-10, 15-15 फैक्ट भी याद है ना अपने, तो अच्छा काम चल जाएगा। सीनियर सेकेंडरी स्तर का यहाँ पर आपको पेपर देखने को मिलेगा।
ये जहां पर भी मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ ना, तो आप फोकस बना के किसका चलोगे, तो आप इन बातों को ध्यान रखो कि जो आरबीएससी बोर्ड की किताब है, राजस्थान अध्ययन की किताबें हमारे राजस्थान, हम 6 से लेकर 10 तक की जो इंपॉर्टेंट किताब है उन सभी के अंदर बेस बनाकर चलना है, चाहे पुरानी किताबें हो चाहे नहीं, सारे के सारे वीडियो इसी से भी बने हुए हैं इस चैनल पर। दूसरी साहब, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी क्या बात कर रहा है साहब, यहां पर पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, राजनीतिक व्यवस्था, राज व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन है। कौन कौन से टॉपिक, तो सब यहां पर बात की जा रही है भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य। इसके अलावा राजस्थान की जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम होगा, जिसके अंदर हमें गवर्नर देखने को मिलेगा, हमें चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा, पूरी की पूरी टॉपिक यानी इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। घबराना मत, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर आएंगे। अब साहब आ जाती है आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब जब भी मैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करूंगा ना, तो आप सोचो कि साहब राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर क्या आएगा भाई, जितनी भी यहां पर योजनाएं चल रही है कृषि और आर्थिक विकास की, वो सारी की सारी, प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई की परियोजना, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजना, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, ये सारे के सारे वो टॉपिक हैं जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अंदर आते हैं। वहां से या तो करंट का कोई फैक्ट पूछ लेते हैं या कोई स्टैटिक वाला पार्ट पूछ लेते हैं, वो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको बेस बना के चलते। इसके अलावा और इकोनॉमी में क्या आएगा साहब, तो इसके अंदर हमें देखने को मिला है राजस्थान की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी एमजी नरेगा, इसके अलावा लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामीण विकास की भूमिका, राजस्थान के औद्योगिक विकास और राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ये जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे आर्थिक समीक्षा से यहाँ पर लिए गए हैं। करंट का डेटा अगर पूछना है तो आर्थिक समीक्षा को अपने पढ़ना ही पड़ना। अब आ जाएगी साहब एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस यानी कि साहब आपका दैनिक विज्ञान वाला पार्ट। अब ये जितने भी आपको यहां पर टॉपिक दिख रहे हैं ना लाडलो, आप एक बात देखोगे जो दसवीं की आरबीएससी बोर्ड की किताब है उसमें से काफी सारे टॉपिक जो है वो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे यहां पर। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री साथ साथ में बायोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी, पूरा का पूरा सारी की सारी चीजों को मिलाकर यहां पर सिलेबस बनाया गया है। क्या क्या टॉपिक है सब, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु और इनके प्रमुख यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के प्रमुख यौगिक, अच्छा प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी ये वाला पार्ट बोल रहा है, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट यानी कि देखो क्या क्या चीजें आएंगी, आपके बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पार्ट है, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, साथ साथ में एनवायरमेंट इकोलॉजी। इसके अलावा देखो अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली और क्या आएगा, तो देखो लाडलो आपको यहां पर पर्यावरण अध्ययन पूर्णतः यहां से पूछा जाएगा, एनवायरमेंटल स्टडी, इसके अलावा जंतुओं का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, साथ साथ में आपके आरएच कारक और इंपॉर्टेंट तौर पे मानव रोग और साथ साथ में उनके निवारण यानी ह्यूमन डिजीज से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जो साइंस का सिलेबस बनाया कहां से बनाया, आरबीएससी की किताबों को बेस लेकर यहां पर पूर्णतः सिलेबस बनाया। अब इसके अलावा आ जाता है साहब हमारा रीजनिंग वाला पार्ट। अब रीजनिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है रीजनिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो भाई क्या याद आएंगे साहब, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, इसके अंदर वैदिक विधि से संपूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल साथ साथ में वर्गमूल, घनमूल, इसके अंदर आपको मेंटल एबिलिटी यानी थोड़ा सा बेसिक मैथ्स वाला पार्ट और रीजनिंग, तो इस बात को ध्यान रख लेना, मैथ्स प्लस रीजनिंग वाला जो पार्ट है ये आपको पूर्णतः देखना पड़ेगा। गुणखंड, बहुपद के गुणखंड, अनुपात, समानुपात, साथ साथ में प्रतिशतता, लाभ हानि, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, साथ साथ में कोण, उनके माप, न्यून कोण और साथ साथ में त्रिकोणमीय अनुपात, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा साहब साधारण मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। अब तर्क शक्ति डाल दे तो पूरी की पूरी रीजनिंग हो जाती है, कोडिंग डिकोडिंग हो या ब्लड रिलेशन हो, लेकिन अपने को रीजनिंग और मैथ्स यहां पर पूर्णतः ढंग से पढ़नी है, फोकस यहां पर मैथ्स करना है जो आपके मानसिक योग्यता वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा साहब अब लैंग्वेज वाला पार्ट आ गया, लैंग्वेज कौन कौन सी आती है लाड लो, तो हमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलेगी। तो देखो जब हिंदी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपने संधि देख लिया साहब, संधि आएगी। इसके अलावा समसामयिक पदों की रचना, समास का विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, शब्द युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। अब सोचो भैया आप एक चीज नोटिस करो, छोटे से छोटा एग्जाम हो राजस्थान का या सबसे बड़े स्तर का प्रशासनिक लेवल का एग्जाम, आरएस का एग्जाम, पूरी की पूरी हिंदी सेम टू सेम टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, कुछ भी अलग, एकाध कोई टॉपिक इधर उधर हो जाए तो ठीक है, लेकिन सारे के सारे टॉपिक सेम होते हैं। तो सोचो भैया सीईटी से लेकर आरएस का जो एग्जाम है हिंदी वहां पर बिल्कुल कॉमन है। अब इस बात का ध्यान रखो पूरी की पूरी हिंदी, लेकिन यहां पर कार्यालय पत्रों से संबंधित, तो क्या हमें पत्र लिखवाएंगे क्या, नहीं, पत्रों से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए
उससे संबंधित यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल मत घबराना कि कहीं भैया कहीं डिस्क्रिप्टिव पेपर ना हो जाए, ठीक है, एमसीक्यू आएंगे। इसके अलावा भैया इंग्लिश वाला पार्ट, तो इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, देखो इंग्लिश की जब मैं बात करता हूं तो इंग्लिश के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेगा सब टेंसेस, सीक्वेंसेस ऑफ टेंस, वॉइस एक्टिव पैसिव, नरेशन इनडायरेक्ट डायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल डिटरमाइनर, यूज ऑफ प्रेपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, और साथ साथ में नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल डेमी ऑफिशियल सर्कुलर और नोटिस, यानी यहां पर भी आपको पत्र देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कौन से वाले आएंगे, एमसीक्यू वाले यहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब लास्ट वाला पार्ट आता है साहब, हमें देखने को मिलता है कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। अब लाडलो मेरी बात बिल्कुल ध्यान समझना, कंप्यूटर का ज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बड़ा लोग सोचते हैं कि भैया क्या पढ़ेंगे, ये तो कंप्यूटर है इजी, लेकिन कंप्यूटर आपका सिलेक्शन करवाता है, जो चीजें सब बच्चे नहीं पढ़ते ना उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि आप अगर जीरो से हीरो बनना चाहते हो तो साहब आपको सिलेबस का कोई भी टॉपिक जो है अपने नहीं छोड़ना, सीईटी में एग्जाम में अभी टाइम है तो इस वजह से तैयारी अच्छे से कर सकते हो। कंप्यूटर के ज्ञान के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइस और एमएस ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड एक्सेल स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर यहां पर आएगी। कोई सा भी एग्जाम हो कंप्यूटर का यही लेवल हमें देखने को मिलता है जो जनरल एग्जाम्स होते हैं उनमें। इसके अलावा साहब आपका समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट की बात कर रहा है, राजस्थान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, साथ साथ में स्थान एवं संस्थाएं, खेलकूद से संबंधित गतिविधियां। अभी तीनों टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें इंडिया, राजस्थान और साथ साथ में वर्ल्ड लेवल की जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं वो यहां पर पूर्णतः देखने को मिलेंगे। अब क्लियर हो गई यहां तक बात, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो भैया मोटा मोटी हमें क्या क्या पढ़ना है, तो भैया हमें पढ़ना है सब कुछ। सर सब कुछ का मतलब क्या हो गया, तो देखो भैया हमें जीके पढ़नी है। कौन सी वाली जीके पढ़नी है, तो देखो भाई एक इंपॉर्टेंट बात देखो, सर हमें इंडिया की जीके पढ़नी है यानी कि भारत की जीके पढ़नी है, और साथ साथ में सर हमें राजस्थान की जीके पढ़नी है, राजस्थान की यानी कि आपको हमारे राज्य की जीके पढ़नी है। क्लियर। अब इसके अंदर हिस्ट्री भी आ जाएगी, पॉलिटी भी आ जाएगी, ज्योग्राफी भी आ जाएगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट तौर पर पार्ट हो जाए। इसके अलावा सर और क्या पढ़े बेटा, मैथ्स पढ़ लो, उसके साथ साथ में रीजनिंग पढ़ लो, मानसिक योग्यता पढ़ लो, तर्क शक्ति पढ़ लो, बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है। इसके अलावा बेटा लैंग्वेजेस हमें पढ़नी है, कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है, सर एक तो हिंदी पढ़ूंगा और साथ साथ में अंग्रेजी पढ़ूंगा, बिल्कुल ये पढ़ना है, कोई छोटा तो नहीं, बिल्कुल। इसके अलावा भैया आप यहां पर ध्यान रखो कि आपको कंप्यूटर भी ढंग से पढ़ना है, अगर आपने इन सब चीजों के साथ साथ में कंप्यूटर पढ़ लिया तो भैया हमारा मजे आ जाएंगे, हमारा सीईटी का जो स्कोर है वो शानदार हो जाएगा। सीईटी का स्कोर राजस्थान में अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें नौकरी लगनी है तो भाई इतनी सी चीजें अगर अपन ने पढ़ ली तो काम हो जाएगा। तो सोचो भाई कब से ये पढ़ते आए हैं, तो एक और बार हमें मौका मिला है सीईटी 12th लेवल का जो होने जा रहा है, तो बिल्कुल चूकना नहीं है। सारे के सारे वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे, शानदार तरीके से पढ़ो, अपनी प्रैक्टिस करो, ऐप के ऊपर जाओगे तो खूब सारी टेस्ट भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।